तीव्रा मात्रा सात। धा दिन ता किट तक गदीगा। एक दो तीन चार पांच छः सात। तो इसके साथ झांझ बजाने के लिए धा दिन ता किट तक गदीगा। धा दिन ता किट तक गदीगा। धा दिन ता किट तक गदीगा। जब हिंडोरा के पद हो, उत्सव के पद हो, बधाई के पद हो, तब कीर्तनों में अंतिम दो पंक्तियां चलती में गाई जाती है। तो जैसे तेवरा बज रहा है और चलती इसकी होती है, लय बढ़ती है इसमें। धा दिन धा किट तक गदीगा। 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 साथ झांझ बजाने के लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात। 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 और अभ्यास करने से पखावज में जो रेला बजता है परम बत्तीय, ऐसे भी आप बजा सकते हैं। धा दिन धा किट तक गदीगा। 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 इसी तरह चौताल जब बजाया जाता है, धा धा दिन धा किट धा दिन धा किट तक गदीगा। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। एक दो तीन चार पाँच छ सात नौ दस ग्यारह बारह। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट तक गदीगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ताल का सरल अर्थ होता है कायदा। तो जो भी रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसी तरह 12 मात्रा है तो हमको 12 मात्रा में ही कीर्तन गाना है। और जब उत्सव का पद हो, बधाई का पद हो, हिंडोरा का पद हो, बसंत धमार के पद हो, तब कीर्तन की अंतिम दो पंक्तियाँ चलती में गाई जाती है, बजाई जाती है। तो जैसे चौताल में हम चलती करते हैं तो लय इसकी बढ़ती है। आ, आ, दिन, आ, पाँच
इसमें झांझ कैसे बजाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, धा धा दिन धा किट धा दिन धा किट तक गदी गनेरा। तो इसी तरह पखावज के साथ चलती में झांझ बजाई जाती है। हर रोज अभ्यास करें झांझ बजाने का, ताल देने का, क्योंकि जिस तरह श्री ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता है, तो सामग्री उत्तम प्रकार की सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को धराई जाती है। वस्त्र और श्रृंगार भी श्री ठाकुर जी को हम उत्तम प्रकार से धराते हैं। तो उसी तरह कीर्तन में राग भी सुर में गाए, ताल भी मात्रा में दे, तो इसी तरह प्रभु को रिझाए।